सर्कल वो भी नहीं के पास ही है। आप देखें सीगोर्ड आए और ओमेगा के बग्गी के सामने वो गाड़ी लगा दी और इसी के साथ ओमेगा सबसे पहले इस मुकाबले से बाहर। जी हाँ, ओमेगा तो यहाँ पे फिनिश ऑफ हो चुके हैं, बट पीछे से देखिए एक्सनोर का स्क्वाड भी आ रहा था जो यहाँ पे इस फाइट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, काफी अच्छे रोटेशन लेके निकल गए। अभी भी देखिए टीम सोल के पास रिजेस हैं, स्मोक्स का यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से यूज किया जा रहा है। टीम गॉडलाइक को भी पता है अपने आप को रीपोजिशन करना, नहीं ब्लाइंड रश डायरेक्ट टीम सोल के ऊपर। देखना ये कि टीम सोल के ऊपर उन्होंने रश किया, गॉब्लिन वहां पे मौजूद है, बट वहां पे उन्होंने नियो को डाउन किया, हेक्टर वहां पे डाउन किया, गॉब्लिन वो शायद आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे अपनी टीम से। जी नहीं, एक और खिलाड़ी मौजूद है वहां पे, अक्षत थे, उन्होंने कोशिश किया, एक को डाउन किया, ज़िगोर्ड नॉक पड़े होते, बट इस पावर तीन फ्रैग्स उन्होंने निकाले, 1v3 किया उन्होंने टीम सोल को। टीम गॉड लाइक एक बार फिर से एक और बढ़िया मुकाबला एलिमिनेट किया टीम सोल को, बट ये पुश और ये इस पावर का गेम प्ले। इस पावर ये खिलाड़ी जितना यंग है ना उतना ही उम्दा इसका गेम प्ले है। 1v3 करना इतनी स्ट्रॉन्ग टीम को लॉबी में बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रही गॉडलाइक स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट थोड़ा सा एक डाउन फेज चल रहा था, बट